हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मुझे कहीं जाना है, तो हम जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट कराने, एक्चुअली हेयर कलर कराने के लिए। बहुत टाइम से सोच रही हूँ, चलिए आज आपको भी लेके चलती हूँ और हेयर कलर कराते हैं। तो गाइस, मैं पहुँचने वाली हूँ अपना हेयर कलर हेयर कट कराने के लिए। सोच रही थी कराना है तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कराते हैं, कलर या कौन सा कलर। हाँ, हेयर कलर सोच रही हूँ कराने को। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, वहाँ पे आज वो हेयर कट करने वाले भैया थे नहीं, कलर करने वाले। तो अब देखते हैं दूसरी जगह हम किधर जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे लैक्मे सलून में और अपना मैंने हेयर दिखा दिया है और हम यहाँ पे सबसे पहले हेयर वॉश करेंगे। इन्होंने बोला कि आपका हेयर वॉश करना पड़ेगा, तो वो देखिए यहाँ पे हेयर वॉश करना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सर्विस दी थी, मेरे को अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पे वो बहुत ही कंफर्टेबली मेरे को पहले वाटर चेक करवा दिया कि कौन सा, मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने मेरा अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद यहाँ पे हेयर कट करवाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी हम लोगों को फंक्शन भी अटेंड करने हैं, इसीलिए मैं भी हेयर कलर करा रही हूँ और पीहू का भी हेयर कट यहीं से ही करवा देंगे। तो पीहू हेयर कट करा करके फिर वो अपने डैडी के साथ घर वापस चली जाएगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा और इतनी देर पीहू और वर्मा जी यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए ये लोग तो चले जाएंगे। तो हेयर वॉश मेरा हो गया था और मैं आवाज़ बार बार इसलिए बंद कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक और सॉन्ग्स चल रहे थे तो मुझे कॉपीराइट आ जाता इसीलिए। और बस अब यहाँ पे मेरा ब्लो ड्रायर किया जा रहा है क्योंकि कलर से पहले बाल सूखे होने चाहिए। तो जो मेरा हेयर कलर करेंगे वो बोले कि बाल आप जब तक सूखा, मतलब ड्राई कर दो। और यहाँ पे पीहू का हेयर सेट किया जा रहा है, साथ में मेरा भी काम चल रहा है। वर्मा जी को मैंने फ़ोन दे दिया था रिकॉर्डिंग के लिए। आप बताइए इस पे क्या जाएगा ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे जो मेरा हेयर कलर करने वाले हैं वो मेरे को हेयर का कलर दिखा रहे थे कि आप कौन सा कलर करवाना डलवाना चाहते हो। वैसे मैं इस बार स्ट्रीक डलवाने वाली हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने ग्लोबल डल करवाया था और क्या बोलते हैं एक कोई और हेयर स्टाइल कलर है वो भी इन्होंने मुझे, मतलब मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ स्ट्रीक्स ही डलवाने वाली हूँ।
तो दिल थाम के बैठिए, आज आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलने वाला है, मतलब मेरा नया हेयर स्टाइल, हेयर कलर आपको आज के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको बोला था ना कि आपको कल मेहंदी सेरेमनी मैं शेयर करूँगी, तो आज ये वाला शेयर कर दे रही हूँ व्लॉग, क्योंकि शाम को ही मैं हेयर कलर कराने गई थी इसीलिए। और यहाँ पे देखिए कलर स्टार्ट हो गया है, और बस देखते रहिए। यहाँ पे पीहू और उनके डैडी जा चुके थे और मैं ही अकेले यहाँ पे कलर करवा रही थी, सो मुझे ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे जो एक भैया थे उनको बोल दिया था कि आप थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, तो उन्होंने भी मेरा रिकॉर्डिंग कर दिया था। और काफ़ी अच्छी सर्विस है लैक्मे की, मेरे को पसंद आई। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे कराया, मतलब करा इन्होंने हेयर कलर, और बाद में फिर ड्रायर वगैरह लगा करके और अच्छे से सेट करके उन्होंने दिखाया। ये देखिए अभी मेरा कलर हो चुका है, मुझे वो दिखा रहे थे ये शेड आया है। सो अभी मेरा हेयर वॉश होने जा रहा है, चलिए हेयर वॉश के बाद आपको फाइनल लुक देखने को मिल जाएगा। शेड देखिए। तो यहाँ पे भैया जो है मेरा, जिन्होंने कलर किया था, वो मुझे दिखा रहे थे कि देखिए ये कलर आ रहा है। सो अभी जब ये वॉश हो जाएगा और जब बाल सूख जाएंगे, तब उसके बाद आपको एक्चुअल जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। सो देखिए यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी शायद, और मेरे कान में पानी जा रहा था, तो मैं अपने कान में पानी मतलब देख रही थी। और क्या, बस आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये हेयर कलर, मेरा नया लुक। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इंडियन व्लॉगर बुलबुल के चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये राहुल भैया थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा मेरा काम किया था, मेरे को याद आ गया बात करते करते आपसे, इनका राहुल नाम था। और बस यहाँ पर मेरे बालों को ड्राई किया जा रहा है। यहाँ पे बस ये फाइनल लुक दे रहे हैं, इन्होंने कर्ल्स बना दिए थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और अब वर्मा जी भी आ गए हैं, मैंने फ़ोन कर दिया था कि मेरा काम होने वाला है। सो पीहू तो घर पर ही है और ये मुझे लेने आ गए हैं। अब हम अभी आपको मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक, फिर निकलेंगे अपने घर के लिए।
अच्छा, अब मेरे को एक बात याद आ रही थी। जब पहले हम लोग छोटे थे ना, तो जब कहीं जाना होता था तो बोलते थे अगर हेयर कट कराना है तो 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले करा लो, जिससे कि बाल सेट हो जाएंगे, ठीक है। और आजकल ऐसा होता है कि जब कहीं जाना हो ना, तो आप एन एकदम मोमेंट पे जाकर के हेयर कट कराओ, जिससे कि वो एकदम सेट आपको मिलेगा। ऐसा होता है क्या? आपको भी ऐसा फील होता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो लीजिए, यहाँ पे मेरा फाइनल लुक तैयार है। पहले इन्होंने जब कर्ल किए थे, मैं बोल रही थी आप इसको ओपन ना करो, जिससे कि मेरा कल वाला फंक्शन जो मुझे जाना है मेहंदी फंक्शन में, वो ऐसा खुलेगा तो अच्छा लगेगा। सो इन्होंने बाद में हल्का सा खोला था, तो देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बना सो गाइस, हेयर कट नहीं करवाया मैंने, सिर्फ हेयर कलर करवाया है। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम घर को जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मेरा हेयर कलर? बढ़िया, चलो फिर।